संजय लीला भंसाली एक ऐसा नाम जो अपनी फिल्म को सिल्वर स्क्रीन पर उतारने से पहले उस फिल्म पर कितनी मेहनत से इतनी शिद्दत से काम करते हैं कि सालों तक उस स्टोरी पर काम किया जाता है, फोकस किया जाता है और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाता है। फिर चाहे क्यों ना उस स्टोरी को बनाने के लिए, उस स्टोरी को प्रेजेंट करने के लिए, उस स्टोरी पर काम करने के लिए सालों साल निकल जाए। संजय लीला भंसाली का एक सपना है, 20 साल से अपने दिमाग में एक स्टोरी लिए घूम रहे हैं, बैजू बावरा नाम की। बैजू बावरा फिल्म दोस्तों 1952 में ऑलरेडी रिलीज हो चुकी थी। उस फिल्म में 13 गाने थे। अब वही स्टोरी के साथ संजय लीला भंसाली फिर फिल्म बनाना चाहते हैं। खबरों की माने तो 20 साल से संजय लीला भंसाली के दिमाग में ये स्टोरी घूम रही है और सपना है कि भाई बैजू बावरा फिल्म को बनाया जाए। ये कहानी दोस्तों सिंगर की है। अब मुझे ज़्यादा पता नहीं है, मैंने वो फिल्म देखी नहीं है, लेकिन न्यूज़ में कहीं पर मैंने पढ़ा था कि अकबर के वहाँ पर जो तानसेन नाम का वो सिंगर था तो उसी से कुछ बदला लेने के लिए, और वही कहीं कहीं स्टोरी है, कुछ मुझे ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन संजय लीला भंसाली अब उस स्टोरी पर काम शुरू कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज हीरा मंडी का अब जो भी शूटिंग का वोटिंग का काम था वो ख़त्म हो चुका है। अब खबर ये आई है कि संजय लीला भंसाली ने उस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। बैजू बावरा पर संजय लीला भंसाली ने काम शुरू कर दिया है। कास्टिंग की बात की है, अभी तो कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन न्यूज़ की माने तो रणवीर सिंह और आलिया भट्ट पहली पसंद है संजय लीला भंसाली की। लेकिन भाई जैसे समय आगे बढ़ेगा उसके बाद ही पता चलेगा कि भाई ऑफिशियल कौन है, यानी कि कौन है इस बैजू बावरा के लीड हीरो और हीरोइन। आपके हिसाब से कौन होना चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और जैसे जैसे कुछ नई अपडेट आती रहेगी हर अपडेट आपके साथ शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद।